25 जुलाई वर्ष 1978 में विश्व का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु का जन्म हुआ। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में दुनिया की पहली आईवीएफ शिशु लुईस ब्राउन का जन्म हुआ। लुईस ब्राउन नाम की बच्ची आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। ब्राउन का वजन करीब 2.5 किलो था और वो ऑपरेशन के जरिए पैदा हुई। नवंबर 1977 में लुई की मां के गर्भ में डॉक्टरों ने उनके पति और उनका भ्रूण रखा था, जिसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इलाज कहते हैं। इसके बाद ब्रिटेन में करीब 5,000 युगलों ने संतान प्राप्ति के लिए इस नए इलाज के लिए पंजीकरण करवाया।